किसान साथियों नमस्कार। आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मात्र एक बीघे खेती से और मात्र 2000 रुपये लगाकर कैसे 35 से 40 दिन के अंदर आप 30,000 रुपये का टर्न ओवर गारंटी के साथ में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है मैं केवल हवा हवाई में बातें करूँ, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि आप किस प्रकार जो है एक बीघा खेती से मात्र 30 से 35 दिन के अंदर में 30,000 रुपये का टर्न ओवर प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी चुनिंदा तीन फसलें मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की हैं, तीनों के बारे में ए टू जेड जानकारी दूंगा। बुआई से लेकर कटाई तक की सारी व्यवस्था मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से आपको खेती करनी है वो भी बताऊंगा। तो उससे पहले किसान जिन किसानों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कहीं नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सके। तो नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है राजकुमार सैनी और आप देख रहे हैं DR एग्रीकल्चर सैनी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो किसान भाई देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर फसल सिलेक्ट की है वो है आपकी मूली की फसल। देखिए, मूली की फसल एकमात्र ऐसी फसल है 35 से 40 दिन के अंदर यहाँ पर आ जाती है, यानी आप 35 से 40 दिन में उसकी हार्वेस्टिंग शुरू कर देती है। अगर मैं इसके खर्चे की बात करूँ, देखिए आपको जो F1 आजकल मार्केट में बीज आ रहे हैं बढ़िया वाले, वो आपको यहाँ पर ले लेना और आपको एक बीघे के अंदर मात्र 250 ग्राम बीज कहाँ पर आपको यहाँ पर यूज़ करना। तो देखिए, आपकी जो मूली खेती है उसमें मैं आपको लाइव प्रूफ बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर 2000 रुपये का खर्चा भी यहाँ पर नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ज़मीन तैयार कराने लेनी है बढ़िया तरीके से। ज़मीन बढ़िया तरीके से तैयार कराने के बाद आपको क्या करना है, उसमें DAP 18:46:0 NPK 12:32:16 के साथ में आपको कार्बोफोरान जिसे फ्लोरोन भी कहते हैं उसका आपको यूज़ कर देना है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे किसानों की जो है मूली काली पड़ जाती है जिस वजह से मार्केट में बिकने के लायक नहीं रहती। तो अगर आप फ्लोरोन का यूज़ कर देते हैं तो मूली के अंदर कालेपन की समस्या यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। और मूली जो है एकमात्र ऐसी फसल है 35 से 40 दिन के अंदर यहाँ पर हार्वेस्टिंग के लिए स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले आपको ज़मीन तैयार कराने के बाद क्या करना है, DAP 18:46:0 के साथ में आपको फ्लोरोन का यहाँ पर यूज़ कर देना है। और आपको देखिए, गोबर खाद मूली की खेती के अंदर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि गोबर खाद से क्या होता है मूली की जो चमक होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए आपको गोबर खाद मूली के अंदर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आप केवल एक बीघे के अंदर 8 से 10 किलो DAP डाल सकते हैं और 1 किलो प्रति बीघे के साथ में आप यहाँ पर फ्लोरोन डाल सकते हैं। दोनों को डालकर आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पर मेड़ निकाल देनी है और मूली की बिजाई करनी है। आपको मेड़ की जो दो साइड में आपको बिजाई करनी है, अच्छे तरीके से बिजाई कर देनी है। उसके बाद में आपको पेंडम मेथिलीन का यहाँ पर स्प्रे कर देना है। पेंडम मेथिलीन का स्प्रे करने के बाद आपको 24 घंटा के अंदर यहाँ पर सिंचाई करनी है। 24 घंटे से पहले अगर सिंचाई कर देते हैं तो क्या होता है, घास जम जाती है, जिससे काफ़ी सारी समस्याओं का सामना हमारे किसान साथियों यहाँ पर करना पड़ता है। तो इसलिए आपको जो है सिंचाई करनी है 24 घंटे के बाद यहाँ पर करनी है। तो इस तरीके से खेती करके आपके जो मात्र 2000 रुपये भी यहाँ पर नहीं लगेंगे और आपको मूली खेती के अंदर 35 से 40 दिन के अंदर 30,000 रुपये का टर्नओवर गारंटी के साथ में प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि मैं हर साल किया हूँ और मैं मई में मूली खेती स्टार्ट करता हूँ, मई से लेकर और अगस्त तक यहाँ पर मैं खेती करता हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट प्राप्त होता है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये जानकारी अपने किसान साथियों के साथ भी शेयर की जाए। तो इस तरीके से आपको मूली खेती करनी है, बहुत ही कम खर्चा होगा और आपकी जो इनकम होगी 35-40 दिन के अंदर एक बीघा से आप 30,000 रुपये की इनकम गारंटी के साथ में प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान जो देखिए, दूसरी फसल जो है वो भी इस तरीके की फसल है, उसके दूसरे नंबर जो हमने फसल सिलेक्ट की है वो है पालक। पालक भी एकमात्र ऐसी फसल है जो कि 35 से 40 दिन नहीं और इससे पहले ये कटिंग के लिए तैयार होता है। यानी पालक की अगर मैं बात करूँ, पालक 30 से 25 दिन के अंदर आप कटिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। और अभी करंट टाइम में पालक का रेट चल रहा है वो 40 से 50 रुपये प्रति किलो चल रहा है। तो चलिए इसकी बात करते हैं कि आपको कितना खर्चा रहा है, कितनी इनकम यहाँ पर प्राप्त होती है। तो देखिए, एक बीघे के अंदर आपको मात्र 3-4 से 5 किलो पालक यहाँ पर यूज़ करना है, क्योंकि बारिश का मौसम होता है तो यहाँ पर पालक का बीज आपको ज़्यादा यूज़ करना है, जिससे कि कुछ गलने और कुछ खत्म होने का यहाँ पर खतरा रहता है बीज का। तो इसलिए आपको 4 से 5 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आपको पालक का यहाँ पर यूज़ कर देना। ज़मीन तैयार कराने के बाद इसमें आपको कोई चीज़ डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पालक को बहुत ही कम लागत की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप कोई चीज़ डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास DAP खाद या NPK 12:32:16 डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे इसकी बिजाई कर दीजिए। सिंपल में आपको कुछ नहीं करना है, इसको बखेर कर इसकी प्रॉपर गूले निकाल देनी है। गूले निकालने के बाद आपको पेंडा मैथिन का वो स्प्रे कर देना है, क्योंकि ये घास को रोकता है। तो पेंडा मैथिन का आप स्प्रे कर देंगे तो घास की समस्या खेत के अंदर से ख़त्म हो जाएगी और उसके 24 घंटे के बाद आपको सिंचाई यहाँ पर कर देनी है। तो पालक एकमात्र ऐसी फसल है 25 से 30 दिन के अंदर कटिंग के लिए शुरू हो जाता है और इसका मंडी रेट भी काफ़ी अच्छा मिलता है बरसात के मौसम में, क्योंकि बरसात के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जी होने की वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा डिमांड में पसंद किया जाता है और इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहती है। तो इसलिए पालक की खेती से आप मात्र 35 से 40 दिन के अंदर अच्छी खासी एक बीघे से 30,000 रुपये की इनकम अच्छी खासी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं हर साल किया हूँ, लाइव प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, हर साल करता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि आप पालक की खेती से मात्र 1000 रुपये लगाकर पाले खेती से आप
30,000 रुपये का टर्नओवर गारंटी के साथ में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं नंबर 3 की फसल के बारे में। किसान सोच नंबर 3 में जो फसल मैंने सिलेक्ट की है वो यहाँ पर धनिया की फसल। देखिए धनिया की फसल अगस्त के महीने में लगाई जाने वाली बहुत ही बढ़िया फसल है, क्योंकि पूरे साल के मुकाबले सबसे रेड आपको धनिया का मिलने वाला है। वो आपको अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जो पूरे साल के मुकाबले धनिया का जो रेट होता है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहता है। तो चलिए इसकी बात करते हैं कैसे आपको बिजाई करनी है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ज़मीन प्रॉपर तरीके बढ़िया तरीके बारीक करके तैयार करा लेनी है। ज़मीन तैयार कराने के बाद आपको क्या करना है, इसमें DAP 18:46:0 या फिर गोबर खाद आपके पास है तो गोबर खाद जरूर डाल दें। बरसात के मौसम में होता क्या, जब बारिश पड़ती है तो गोबर खाद जो है जमीन को मुलायम और भुरभुरी रखता है, जिसकी वजह से अत्यधिक बारिश होने की वजह से भी हमारी जो फसल होती है वो ख़राब यहाँ पर नहीं होती। तो आपको सिंपली गोबर खाद यूज़ कर देना। गोबर का खाद यूज़ करके एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत सारे किसान क्या गलती करते हैं, वो क्या करते हैं क्यारियों के अंदर धनिया की बुआई करते हैं। तो देखिए आपको क्यारियों में बुआई नहीं करनी है, क्योंकि बरसात का मौसम है, तो इसलिए आपको बुआई करनी है वो मेड़ के ऊपर ही करनी है। मेड़ की थोड़ी चौड़ाई रखें जिससे कि धनिया प्रॉपर उस पर जम सके। तो आपको क्या करना है, धनिया की जो बुआई करनी है वो मेड़ के ऊपर ही करनी है। और धनिया का जो आपको सीड्स लेना है वो आपको आर के सीड्स लेना, बहुत ही बढ़िया सीड्स है, नंबर 1 सीड्स है। आर के सीड्स आपको लेना है, एक बीघे के अंदर आपको मात्र 3 से 4 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आपको धनिया का यहाँ पर यूज़ करना है। क्योंकि बीज में ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बारिश का मौसम होता है तो कहीं ना कहीं बीज ख़राब होने के कुछ चांस रहते हैं, तो इसलिए आपको 3 से 4 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आपको यहाँ पर धनिया का यूज़ करना है। उसके बाद में आपको धनिया जो है दूफाड़ कर लेना है, ऐसा समूचा धनिया आपको नहीं बोना है, यहाँ पर धनिया को आपको दूफाड़ कर लेना है, जिससे आपका बीज जो है और ज़्यादा हो जाएगा। दूफाड़ करने के बाद आपको जो मेड़ होती है उसके ऊपर बढ़िया तरीके बुआई करके उसको हाथ से मिला देना है। मिलाने के बाद आपको वही पेंडामेथिलीन का स्प्रे कर देना है और उसको 24 घंटे के बाद आपको सिंचाई कर देनी है। जब आपके धनिया का जर्मिनेशन होने लगे, अंकुरण होने लगे, तो उसके बाद में आपको देखिए यहाँ पर बेसल डोज में सांप का स्प्रे कर देना है। यानी सांप एक फंगिसाइड ऐसा है जो कि स्टार्टिंग स्टेज में बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो स्टार्टिंग स्टेज में आपको क्या करना है, जब आपके धनिया का अंकुरण हो जाए तो उस समय आपको यहाँ पर बेसल डोज में सांप UPL के साथ जो आती है कार्बोनिजिन 12% मैनुजेब 63% का स्प्रे आपको कर देना है। तो ये धनिया की स्टार्टिंग स्टेज में बहुत ही बढ़िया कंट्रोल करता है, फंगस को नहीं आने देता और धनिया में जो उमसने की या गिरने की समस्या आती है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो किसान साथी जैसे कि मैंने आपको बताया 3 फसलें ऐसी फसलें हैं जो कि मात्र 1,000 से 2,000 लाकर एक बीघे खेती के अंदर आप 30 से 35, 35 से 40 दिनों के अंदर अच्छी खासी 30,000 रुपये की इनकम गारंटी के साथ कर सकते हैं। क्योंकि मैं हर साल इसको किया हूँ, इसलिए मैंने आपको लाइव प्रूफ जानकारी दी। तो आप भी इन फसलों को ला कर देख सकते हैं कैसे आप मात्र 30 से 35 दिन के अंदर 30,000 रुपये का टर्नओवर एक बीघा खेती के साथ में कर सकते हैं। तो किसान साथियों को जानकारी पसंद आई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और किसान साथियों के साथ ये जानकारी शेयर करें, ताकि और किसान भी हमारे इस जानकारी को प्राप्त करके इन फसलों को लगा सकें और अच्छी खासी जो है इनकम अपनी कर सकें। धन्यवाद।